What is H positive in mole per liter of a solution that is 0.20 mole in CH3COONA? CH3COONA is how much? 0.20 molar. ये completely dissociate होता है CH3COO minus में और Na plus में. यहाँ पे इसके हो जाएंगे 0.2 और 1 mole Na positive दे रहा है, यानी इसके भी कितने हो जाएंगे 0.20 mole. Next दिया है यहाँ पे and CH3COOH. This is a weak acid. CH3COOH ये weak acid है, इसके लिए अलग से लिख लेते हैं. CH3COOH ये weak acid है, ये completely dissociate नहीं करेगा प्लस एच पॉजिटिव आयन में. स्टार्टिंग में इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी है 0.10 मोल. इन दोनों की कितनी होगी 0, इसकी भी 0 एट द स्टार्ट. बट व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड इसका कुछ ना कुछ डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, तो 0.1 में से कितना निकलेगा सी अल्फा. इफ इट इज अल्फा, अगर हम एक्स लेट कर लें तो 0.1 में से कुछ ना कुछ निकलेगा ना एक्स, वही एक्स जाएगा CH3COO माइनस में और वही एक्स एच पॉजिटिव बनाएगा. Now we have to calculate H positive ion की concentration निकालनी है total H positive. X we have to calculate. तो यहाँ पे हम apply करेंगे और Ka की value कितनी दी है यहाँ के लिए. Ka की value दी है 1.8 into 10 raised to the power minus 5 और Ka होगा कितना CH3COO negative ion की concentration into H positive ion की concentration divided by CH3COOH की concentration. नाउ हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन वाला मेथड यूज़ करेंगे. अप्रोक्सीमेटली CH3COO माइनस की ओवरऑल कंसंट्रेशन कितनी है, अगर हम यहाँ पे लिखें CH3COO माइनस की ओवरऑल कंसंट्रेशन है 0.2 प्लस एक्स. अगर हम एक्स को बहुत छोटा मान लें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी समोट अराउंड 0.2, तो ये आ गया 0.2. एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन तो हमें चाहिए डिवाइडेड बाई CH3COOH की कितनी दी है 0.1 माइनस एक्स. CH3COOH की कितनी दी है टोटल 0.1 माइनस एक्स और इसको भी हम अप्रोक्सीमेशन मेथड से 0.1 लेट कर लेते हैं. नाउ एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, सो ये वैल्यू आ जाएगी 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5 इंटू 0.1 मीन्स 0.1 लिख लेते डिवाइडेड बाय 0.2. पॉइंट हटेगा ऊपर 10 लगेगा, दैट मीन्स 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5. यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 लगेगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 लगेगा. 10 एंड 10 विल गेट कैंसिल. 2 के टेबल में कब आता है 0.9, यानी आंसर कितना आ रहा है 0.9 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5. देख लेते ऑप्शंस में दिया है नहीं, इंटू 6 दिया है. इसको क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई 0.9 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5. मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं 10 के साथ और डिवाइड भी कर लेते हैं 10 के साथ टेन के साथ. सो हमें कौन सा वाला चाहिए, मल्टीप्लाई वाला चाहिए क्योंकि 9 में दिया है आंसर 9 इंटू 10 रेज टू द पावर, बेसिस आर सेम और डिवाइड में, तो डिवाइड में माइनस हो जाएगा माइनस 5 माइनस 1. सो माइनस माइनस इज प्लस, 5 प्लस 1 इज 6, साइन लगेगा बढ़ेगा माइनस 6. सो 9 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 विल बी द आंसर विच इज इन ऑप्शन डी.